रोहित भाई की बात है, वो तो कभी भी लेजेंड तो है ही है, कभी भी मार। जो अब्दुल्ला शफीक की विकेट थी वो तो प्लान के साथ थी, क्योंकि मेरी और रोहित भाई की बात हुई थी। एक बॉल पहले मैं उसको बाउंसर डाला था, बट वो थोड़ा बीच में अटक गए थे। फिर उसके बाद रोहित भाई से मैं थोड़ी देर बात किया और टाइम स्पेंड किया उधर, तो उसको लगा कि मैंने बाउंसर फिर से डालने वाला हूँ, तो वो पीछे रह गए, फिर मैंने आगे डाला, तो इसलिए टीम को अच्छा सक्सेस। इतना कभी सोचा था कि इतना वन साइडेड गेम होगा? एक और दूसरी चीज़, क्या ड्रेसिंग रूम में आप लोग होटल में रोहित को 2019 वाले हाइलाइट्स दिखा रहे हैं क्या? अरे नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा, और वो भी इतना, क्योंकि मैं इतना नीचे से आया हूँ तो मैं कभी सोचा नहीं था वर्ल्ड कप खेलूँगा, बट अभी खेल रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत ही एक अचीवमेंट की बात है। और इंडिया पाकिस्तान का मतलब सुनते थे कि हाई इंटेंसिटी गेम है, हाई प्रेशर वाला गेम है, बट आज वो देख भी लिए और बहुत ही मतलब अच्छा भी लगा। और रोहित भाई की बात है, वो तो कभी भी लेजेंड तो है ही है, कभी भी मार सकते। सिराज, आपने जब पहला विकेट लिया उसके पहले रोहित और कोहली ने जो बातचीत की, उसके बाद जो आपने गेंद डाली और आपको विकेट मिला, तो आपको ऐसा लगता है कि कोहली से सपोर्ट मिल रहा है आपको ज़्यादा, रोहित से ज़्यादा? सर ये हमें क्या ही बोलो सर, क्योंकि ये तो टीम को एफर्ट मिल रहा है ना सर, हर मतलब कोसा भी एक पॉइंट मतलब सीनियर से कुछ भी मिलता है तो पूरा टीम को मिलता है, एक एक एज ए प्लेयर को नहीं, क्योंकि टीम जब जीतती है तो एक जना वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतती है। तो यही है कि एक एक जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे तो वो हेल्पफुल होगा टीम के लिए,